Hi all of you, and in this lecture we will discuss this question. The question is saying a disc is fixed at the center O, ek disc fixed at the center se, matlab yahan se hinge kar rakha hai isko, and rotating with a constant angular velocity omega se ghum bhi rahi hai, given hai humko. There is a rod whose one end is connected at A, ek rod connected at A se on the disc, and the other end is connected with a ring which can freely move along the fixed vertical smooth rod. तो इसका जो दूसरा एंड है रॉड का वो किसी इस पॉइंट से अटैच है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फ्रीली, एंगल 30 है उसका. सो हमें फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क, और हमको ये गिवन है कि ए का डिस्टेंस r बाई टू, ये वाला ये r बाई टू है, और लेंथ जो रॉड की है वो l गिवन है हमको. तो हमें फाइंड करना है, तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सिस्टम को देखूं तो अगर ये यहाँ से फिक्स है तो अगर ये घूमेगा तो घूमेगा तो अगर कोई भी पॉइंट होगा ये ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा, तो इस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए दैट इज इक्वल टू आर बाय टू इनटू ओमेगा. बिल्कुल होगी होगी बिकॉज ऑफ मोशन कर रहा है, ठीक है. और ये पॉइंट रॉड के इस सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है. और रॉड का जो ये वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद स्पीड भी, और ये एंगल है 30 डिग्री. तो अगर मैं इस रॉड के अलॉन्ग, ये रॉड है तो इसके दो एंड है, मुझे ये पता है कि रॉड के इस एंड की स्पीड जो है वो कुछ r ओमेगा होनी चाहिए, r बाय टू ओमेगा, क्योंकि डिस्टेंस r बाय टू है. और रॉड के इस पॉइंट की स्पीड जो ऊपर की तरफ b होनी चाहिए क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है रिंग से. अब मुझे ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है अलोंग रॉड और स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, मस्ट बी सेम. तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स की रॉड के अलॉन्ग स्पीड निकालने जाएंगे तो वो आपको सेम मिलने चाहिए, बिकॉज रॉड रिजिड है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रॉड का एक पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है और 1.3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो रॉड रिजिड नहीं रहेगी. तो अगर रॉड रिजिड है तो रॉड के अलॉन्ग जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए. सो आई कैन डू वॉट कि अगर ये रॉड का ही कम्पोनेंट वी है तो अगर मैं ये कम्पोनेंट ले लूँ तो ये हो जाएगा वी कॉस 30, मतलब वी रूट 3/2, और बी का भी कम्पोनेंट निकाल लूँ तो अगर ये 30 अगर ये 60 हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा बाय 2 cos 60. तो हम बोल सकते हैं कि रॉड के अलोंग दोनों के कंपोनेंट कर लिए, दोनों एंड के दोनों सेम होने चाहिए. सो v रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू r ओमेगा बाय 2 cos 60 से कट गया, और जो ओमेगा निकालना ओमेगा हो जाएगा cos 60 हो जाएगा r ओमेगा बाय 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2√3. बहुत इजी सवाल था, हमें कल ये पता होना चाहिए ये रॉड के या स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो होता है कंपोनेंट वो सेम होता है वेलोसिटी का. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.